जय भारत रामलीला ड्रामेटिक क्लब कुरुक्षेत्र द्वारा श्री रामलीला का भव्य आयोजन शानदार ढंग से शुरू किया जा रहा है। श्री रामलीला का भव्य मंच देखने बड़ी संख्या में रामलीला मैदान में कुरुक्षेत्रवासी पहुंच रहे हैं। कुरुक्षेत्र पुराने बस स्टैंड के साथ स्थित पार्क में आयोजित होने वाली इस भव्य रामलीला में कल श्रवण नाटक का मंचन किया गया, जिसमें बताया गया कि किस तरह पितृभक्त श्रवण का महाराज दशरथ द्वारा धोखे से वध हुआ और फिर श्रवण के अंधे माता पिता ने महाराज दशरथ को श्राप दिया। इस मौके पर श्रवण नाटक के पात्रों ने बी पॉजिटिव न्यूज़ से बातचीत में अपने किरदारों के बारे में बात की। तो आइए आपको ले चलते हैं जय भारत रामलीला ड्रामेटिक क्लब कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित श्री रामलीला में। हाँ जी बोलिए। आज आपने किस तरह का रोल किया? ऋषि वशिष्ठ का रोल किया जी। ऋषि वशिष्ठ महाराज दशरथ के दरबार में श्रवण जी आते हैं, अपने अंधे माता पिता के बारे में पूछने के लिए आते हैं। वशिष्ठ जी बताते हैं उनको कि चार धाम की यात्रा कराओ, आपका सब कार्य ठीक हो जाएगा। थोड़ा तेज सर, अपने रोल के बारे में बताएंगे आज? मेरा रोल राजा दशरथ का था। आप ये कितने टाइम से कर रहे हैं? मेरे को जी आज 15 साल हो गए। आज के कैरेक्टर के बारे में बताइए, आज आपने क्या काम किया? बस अब तो नए लड़के क्या करें जी, अब आगे नहीं खेल पाएंगे। आज आपने कितने कैरेक्टर के बारे में बताइए, आज आपने क्या रोल किया? हाँ राजा दशरथ का रोल किया। हाँ जी खुश हैं रोल से, आगे रोल मेरा हनुमान का। हाँ बताना चाहूँगा। आज आप क्या कर रहे हैं? आज मैंने सर श्रवण कुमार का रोल किया है, जो कि आज्ञाकारी पुत्र माता पिता की कुंती का। सर बस माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था।